स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मेरा नाम सभी और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल में फिर आज एक नया वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो मधुमक्खी होती है उनमें से कैसे मध निकाला जाता है और उनको पाला भी जाता है और कैसे पाला जाता है, ये आज की इस वीडियो में यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करो और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो नीचे रेड का बटन दिखाई दे उसको दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं एंट्री हो चुका हूं और आप मेरे सर पर देख सकते हैं ये टोपी मैंने पहना है ताकि मधुमक्खी जो है वो हमें काटे नहीं। तो मैं आपको लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा इसका क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे इसमें से मध निकाला जाता है, जो ये पेटी होता है ये कहाँ से आता है और ये कैसा इसमें अगर नया मध बनाना हो तो कैसे बन गया, सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सारा डब्बा है मधुमक्खी का और इसमें सारी मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं और उधर आप देख सकते हो सारी मधुमक्खियाँ हैं, इधर देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ यहाँ पर उड़ रही हैं, बहुत डर लग रहा है अब काट लेंगी बहुत। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ भाई सब निकाल रहे हैं और चलिए उनसे बातें करते हैं और पूछते हैं मधुमक्खी के बारे में। भाई आपका नाम क्या है? बिट्टू कुमार। थोड़ा तेज बोलिए भाई। बिट्टू कुमार। और क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर? छत्ता चढ़ा रहे हैं। और इसमें से मध निकल गया इसका? निकल गया। और इसमें से आप बता सकते हैं यहाँ पर इसमें रानी मक्खी कौन है? रानी मक्खी तो अभी नहीं बता सकते, अंदर है अभी, अंदर रानी मक्खी देख सकते हैं आप यहाँ पर। मक्खी में अभी बुझाएगा नहीं छत्ता जब तक नहीं उठाएंगे। अच्छा, जब तक छत्ता नहीं निकलेगा तब तक नहीं समझ में आएगा कि रानी मक्खी कहाँ है। अब देख सकते बहुत ज़्यादा यहाँ पर मक्खियाँ लगी हुई हैं। भाई आपको डर नहीं लगता है क्या? डर क्या चीज़ का लगेगा जब इसी में काम करना है। अच्छा, इसका ट्रेनिंग व्रेनिंग होता है क्या? ट्रेनिंग भी होता है इसका? होता है। कितना दिन का ट्रेनिंग होता है इसका? होता है एक महीने का ट्रेनिंग होता है। चलिए भाई शुक्रिया भाई। और इधर आप लोग, इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा है पेटियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं मधुमक्खी की, बहुत ही ज़्यादा उड़ रही हैं मधुमक्खियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हैं बहुत। भाई आपका नाम क्या है भाई? दीपक नाम है। और ये मतलब क्या कर रहे हैं? रस निकाल रहे हैं। और इसमें से बता सकते हैं रानी मक्खी कौन है? अभी नहीं बता सकते हैं। अच्छा, तो रानी मक्खी की पहचान कैसे कर सकते हैं? डॉल लाता है। हैं? ऐसे डॉल आता है मक्खी से। अच्छा, डॉल आता है। बहुत ज़्यादा मक्खियाँ उड़ रही हैं भाई, इधर से निकल रहा हूँ मैं, डर लग रहा है कि काट कहीं नहीं ले। बहुत ज़्यादा ही मक्खियाँ इधर उड़ रही हैं, आप देख सकते हैं इधर ये सारे पेटियाँ लगी हुई हैं और इसमें पूरा मक्खियाँ बटी और मक्खियाँ का निकलने का रास्ता यही होता है, इधर ही से मक्खियाँ सारी निकलती हैं और इधर ही से अंदर जाती हैं। और देख सकते हैं आप, और ये नया फ्रेम रखा गया है इसमें मक्खियाँ, और ये फ्रेम में जो ये आपको दिखाई दे रही है सारी मक्खियाँ ही बनाती हैं इसमें से ये। इधर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से अभी मध निकाला जा रहा है, ये मशीन है मध निकालने वाला। भाई आप बता सकते हैं क्या मतलब कैसे मध निकाल रहे हैं, ये क्या कर क्या रहे हैं आप? अभी तो रस निकाल रहे हैं मधुमक्खी का। मधुमक्खी का, तो ये कैसे बनता है, इनका पूरा इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कैसे कैसे प्रोसेस होता है तो मध बनता है निकलता है?
एक तो फूल के ऊपर है, मौसम के ऊपर है। मौसम अगर अच्छा है, फूल अगर अच्छा है, सरसों का हो, लीची का हो, या करंज का हो, या सूरजमुखी का हो, या सुरगुजा, बहुत ऐसा मध होता है फूल, उसका रस निकलता है। अच्छा। मौसम सही है तो अच्छा है, अगर मौसम गड़बड़ा गया तो घाटे में भी जा सकता है और फायदा तो है ही। अच्छा, तो आप लोग हैं कहाँ के? हम लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले। तो मुजफ्फरपुर से यहाँ बिहार, मतलब इधर साइड आए हैं आप, सिवान गोपालगंज साइड में? अब यहाँ ऐसे घूमते रहते हैं क्या? हाँ, बंगाल जाते हैं, यूपी जाते हैं, आप झारखंड जाते हैं, हर जगह जाते हैं। अच्छा, तो ये जैसे सरसों का मौसम मतलब खत्म हो जाएगा तो आप फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से मुजफ्फरपुर जाएंगे लीची में। अच्छा, वहाँ पे लीची का जो फूल होता है वहाँ जी पे। जी, तो ये कितने दिन में बन के तैयार हो जाता है? ये अगर मौसम अच्छा रहेगा तो वही एक सप्ताह में तैयार हो जाएगी। अच्छा, तो ये जो आप फार्मा जो ये है आप पकड़े हुए हैं, तो इसमें से कितना मध निकल जाता है? अभी इसमें से निकल जाएगी वही मोटा मोटी 250-300 ग्राम। अच्छा, तो ये मध का रेट कितना है? मध का रेट अभी है 300 रुपये के जी। 300 रुपये के जी। तो आपको इसमें कितना प्रॉफिट मिल जाता है? प्रॉफिट इसमें क्या मिलेगा, जैसे लोग हरियाणा दिल्ली पंजाब लोग जाता है कमाने, उससे अच्छा है जब 15 दिन यहाँ रहते हैं, 15 दिन अपने घर पे भी रहते हैं, घर के भी काम देखते हैं, ये भी देखते हैं। तो आप ये बता सकते हैं स्टार्टिंग में जैसे कोई जैसे ये फार्मा हो गया, सामने रखा हुआ है फार्मा, तो ये कैसे इसका प्रोसेस होता है कि मधुमक्खी आप पाले हुए हैं या फिर ऐसे मधुमक्खी आके बैठती है? नहीं, मधुमक्खी खरीदना पड़ता है, मधुमक्खी खरीद करके लाते हैं हम लोग पंजाब से। तो इतना सारा मधुमक्खी जो भी उड़े ये सब खरीद कर लाए जी, या फिर ये पैदा भी होते हैं मधुमक्खी? पैदा जैसे एक बार खरीद करके अगर ले आए 20 बक्सा, हाँ हाँ, या 50 बक्सा मधुमक्खी बक्सा के हिसाब से खरीद कर। हाँ। अच्छा, और उसके बाद इसको जो है सो फिर बढ़ता है, जैसे ये रानी जो होती है इसका, हाँ हाँ, वो बच्चा पैदा करती है, हाँ, और इसके आगे प्रोसेस होते चला जाता, हाँ, है इसका। इसमें कितनी रानियां होती है? एक रानी होती है, एक रानी इसमें। हर एक बॉक्स में एक होती है, हर एक बॉक्स में जी। अच्छा, तो ये बच्चे भी पैदा वगैरह जो करते हैं क्या इसमें? हाँ, ये बच्चा पैदा करती है रानी। जैसे कि आप ये काट रहे हैं तो इसमें भी अंडा हो सकता है ना ये? हाँ, अंडा भी होता है। होता है, तो ये सारा काट देंगे तो फिर ये कैसे फिर पैदा होंगे मधुमक्खी? जो काम लायक नहीं है उसको काट देंगे, जो काम लायक है उसको रहने देंगे। तो कौन सा काम लायक है थोड़ा बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? जैसे ये बच्चा हुआ अंदर में, देख रहे हैं ना, और ये पैकिंग हो गया, जब इसको 22 दिन पूर जाएगा इसका तो ये खुद अपने आप खुल जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए अलग ही बक्से में रखते हैं? नहीं, उसी में रहेगी, मधुमक्खी ही इसको खोलेगी। अच्छा, और इधर ये बॉक्स मतलब ये फार्मा दिख रही है, तो ये क्या आप खुद बनाए हुए हैं ये? नहीं, मधुमक्खी बनाई हुई। मधुमक्खी बनाई हुई, तो ये कैसे मतलब मधुमक्खी कैसे आप बॉक्स में रखते हैं, वहाँ पे मधुमक्खी रहती है, उसके बाद बनता है तो फिर यहाँ पे लेकर आते हैं? हाँ, उसको झाड़ करके यहाँ ले आते हैं, फिर रस निकालेंगे, फिर उसमें डाल देंगे, हाँ, फिर सब उस पर रहना शुरू कर देगी। अच्छा, जैसे वहाँ एक गाड़ी आई हुई है, हाँ हाँ, उसमें फिर मधुमक्खी पैक होकर के जाएगी यहाँ से। अच्छा, पैक होकर, तो मधुमक्खी बेचते भी हैं? हाँ, बेचते भी हैं। अच्छा, बेचने ही के लिए वो गाड़ी खड़ी है। मधुमक्खी भी बेचते हैं और रस भी निकाल के, अगर लोकल कोई खरीदा है यहाँ पे आसपास के तो वो भी बेचते हैं आप लोकल में? हाँ हाँ। अच्छा, सही है, यहाँ पे अंदर भी आप देख सकते हैं काफ़ी, और मधुमक्खी तो सारे मर चुके हैं यहाँ पर, जो चली आती हो तो मरेगी ही। हाँ, तो ये मतलब जो भी मध निकला हुआ है ये, तो ये कोई खराब वराब तो नहीं हुआ है ना? नहीं, मधुमक्खी मरने से कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, ये सब छान के हटा दिया जाएगा, सिर्फ मध रहेगा इसमें। अच्छा, और इधर जो ये टीन वगैरह रखा गया है तो इसमें पैक करने के लिए रखा गया है क्या? जी, इसमें शहद पैक होता है उसमें। और ये पैक होकर कहाँ जाता है? पैक होकर के जाएगा बॉम्बे, हाँ, हरियाणा, जो कोई कंपनी होती है, जैसे दवा कंपनी हुआ, जैसे टॉनिक है, कफ सिरप है, उस सब में काम करता है वो सब। सही है, बहुत ही अच्छा काम है। तो आपसे भाई मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ये सब जान के भी बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं सारे आपको जी सर, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला उन लोगों को। जी जी, शुक्रिया।